Yes, good morning everybody. आवाज आ रही प्रॉपर? ओके, यस, कल की क्लास में अपन ने सीपीसी में ऑर्डर 21 में रूल 32, 36, 37, 39 एंड रूल 43 डिस्कस किया था. आदेश 21 के नियम 30 से 36, 37, 39 और 43. यस, मिस्टर राजेंद्र. राजेंद्र धन के संदाय की, मीडियम हिंदी है ना आपका, धन के संदाय की डिक्री का निष्पादन कैसे हो सकता है? निष्पादन के ढंग के बारे में नियम 30 में क्या बता रखा है? ठीक है, ओके. भैया आपका क्या नाम बताया? नितेश, मिस्टर नितेश. आपने तो कल क्लास ही नहीं ली थी. ठीक है, ऑर्डर 21 का टाइटल क्या है नितेश? एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स. हाउ मेनी रूल्स इन ऑर्डर 21? 106 रूल्स. ओके, यस, मिस्टर आदित्य. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इस बात का ध्यान में रखना कि मिस नहीं होना चाहिए किसी की दशा. ठीक है, यस, मिस्टर भूपेंद्र सिंह. भूपेंद्र सिंह जी, यदि स्थावर संपत्ति के कब्जे की कोई डिक्री है जो नियम 35 में फॉल होती है, कैसे निष्पादन हो सकता है? उसका निष्पादन के ढंग या तरीके के बारे में क्या दे रखा नियम 35 में? कब्जा दिलाया जाएगा उसको, डिक्रीदार को. डिक्री के सार को है वो प्रोनाउंस करके. टिटकनी, ताले वगैरह भी तोड़े जा सकते हैं क्या? यस, मिस्टर भावेश. भावेश, आपको तो मैंने फेसबुक पर बहुत वो फेमस कर दिया है. एक वीडियो डाला था, उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे ही है मिस्टर भावेश. सुना आपने उस वीडियो को? बहुत अच्छी बात है. फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ये यूज़ नहीं करना, ये अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान है. मैं भी जब तक आरजेएस नहीं बना था तब तक एक छोटा सा फ़ोन रखता था, उसमें न फेसबुक था न व्हाट्सएप था, और उसको भी मैक्सिमम टाइप वो ऑफ रखता था उस फोन को. जब मुझे जरूरत होती थी तब वो फोन ऑन होता था. तो इसलिए आपको यदि इस मंजिल तक पहुंचना है तो जो आपने जैसा बताया कि मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है उस मंजिल तक पहुंचने के. यस, मिस्टर भावेश. भावेश, व्हाट इज द मैनर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी एज पर रूल 30 ऑफ द ऑर्डर 21? Arrest and the detention in civil prison of the judgment debtor or by the attachment and sale of the judgment debtor's property or by both manner.
Yes, Mr. Purwardhan. Yes, sir. Purwardhan, video on नहीं हुआ आपका. Yes, yes. Purwardhan, what provided under Rule 36 of the Order 21, where the decree is for the possession of the immovable property and which is in occupation of the tenant, but decree not directed to remove that tenant, to relinquish that tenant, then how to execute that decree as per the Rule 36 of the Order 21? By the beating drum or the other custom remote. Okay. Take. In nutshell, we can say that the symbolic possession shall be handed to the decree holder, not the actual possession. Actual possession remains to the tenant. Yes, Shivmala. Shivmala, ये जीवन निर्वाह भत्ते से आप क्या समझते हो और आदेश 21 के नियम 39 में जीवन निर्वाह भत्ते के संदाय आदि के बारे में क्या प्रावधान दे रखे हैं? सब रूल ठीक है. और ये अल्टीमेटली पैसा किससे रिकवर होगा जो ये जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में डिक्रीदार ने या जिसके प्रार्थना पत्र पर जेल भेजा गया उसने संदाय किया है? अच्छा. और यदि निर्णित ऋणी इसका संदाय करने में असफल रहता है जीवन निर्वाह भत्ते की जोरा, ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा? ठीक है. डिक्रीदार तो इनिशियली पे करेगा, अल्टीमेटली तो तेल तिलों में से निकलेगा भाई साहब. समझ गया मैं आपकी बात को. एक बार तो वही देगा ताकि वो मर ना जाए अंदर खाने पीने के लिए, वो एक बार तो वही प्रोवाइड करवाएगा डिक्री होल्डर. पर इसका जो लास्ट सब रूल है वो पढ़ोगे ना तो अल्टीमेटली वो उससे निर्णित ऋणी से वसूल की जाएगी, वाद के खर्चों में ऐड हो जाएगी वो राशि, वाद के जो खर्चे हैं उसमें जोड़ दी जाएगी उस राशि को, तो अल्टीमेटली निर्णित ऋणी से वसूल की जाएगी. बट वसूली उसकी, वसूली के लिए उसको जेल में नहीं भेजा जा सकता दोबारा. वो वसूली उसकी संपत्ति को कुर्क और विक्रय करके, कोई उसकी है सैलरी एटसेट्रा उसको अटैच करके अन्य किसी रीति से हो सकता है, बट डिटेंशन नहीं होगा, उसका अरेस्ट नहीं किया जाएगा. सब रूल जो इसका 5, सब रूल 5 एक बार आप पढ़ के बताना, डायरेक्ट है आपके पास? जी सर,
एक बार पढ़ के बताना, सारे लोग लाभान्वित हो जाएंगे। वाद के खर्चे समझे जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि वो अल्टीमेटली ऐड हो जाएगी उस अमाउंट के अंदर जो उससे रिकवर किया जाना है नैनी त्रिणी से। हाँ, इनिशियल स्टेज पे पेमेंट करने की ड्यूटी डिक्री होल्डर की ही है या जिसकी एप्लीकेशन पे उसको है वो जेल भेजा गया है, बट अल्टीमेटली वो जजमेंट डेटर से रिकवर होगी। यस मिस्टर चंद्रवीर सिंह। इट्स ओके। यस खुशबू फौजदार। हाँ जी खुशबू। खुशबू यदि संविदा की विनिर्देश अनुपालना की डिक्री है या शाश्वत व्यादेश की डिक्री है, इसका निष्पादन कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, नियम 32 में क्या बता रखा है इस बारे में? वीडियो ऑन नहीं हुआ खुशबू आपका? ठीक ठीक है ठीक है। यस सविना राठौर। सविना व्हाट वुड बी अ मैनर ऑफ, क्या हुआ, ये तो ऊपर का रूम रूम दिख रहा है आपका, आप तो दिख ही नहीं रहे हो वीडियो में। अभी तक तो प्रॉपर ओपन नहीं हुआ, शायद हो जाएगा। यस सविना, सविना व्हाट वुड बी मैनर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर इंजेक्शन एज पर द रूल 32 ऑफ द और 21 ऑफ सीपीसी। ओके ओके। एंड इफ सविना द अटैचमेंट इज मेड अंडर द रूल 32 ऑफ द सीपीसी, हाउ मेनी पीरियड दैट अटैचमेंट शैल रिमेन्स इन फोर्स? सिक्स मंथ जनरली, द जनरल पीरियड ऑफ द रिमेन्स इन्फोर्समेंट ऑफ द अटैचमेंट इज 6 मंथ। ओके यस विकास राकेचा। यस मिस्टर मान प्रकाश। वेरी गुड मॉर्निंग मान प्रकाश जी। मिस्टर मान प्रकाश, व्हाट वुड बी मैनर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ द राइट एज पर रूल 32 ऑफ द ऑर्डर 21? प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एंड सेल हो सकता है उसमें। किसमें? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। ठीक है, इंजेक्शन में भी हो सकता है। वेदर द डायरेक्ट
order of the detention of the directors or the principal officer of the such corporation may be made by the executing court. There is the requirement of the leave of the court or the ipso facto. Okay, okay. Okay. It means there must be an application for the leave of the court, and if that application is allowed, then pass the order of the detention of the, that director or the principal officer of the corporation. Yes, yes, very nice. Yes, Mr. Pirivar Singh Detha. Very good morning. Mr. Pirivar Singh, नियम 31 और नियम जो 32 है दोनों में कॉमन बातें हैं. ये जो कुर्की की गई है ये कब समाप्त हो जाती है या अस्तित्व में नहीं रहती है? 31 के अनुसार बता दो आप, 31 में क्या ये बता दो. हाँ, कौन सी तीन बातें हैं, तीन परिस्थितियां हैं जहां कुर्की है वो समाप्त हो जाएगी या अस्तित्व में नहीं रहेगी या प्रवर्तन में नहीं रहेगी? ठीक है, आदेश क्या डिक्री की ही अनुपालना कर देता है, डिक्री की पालना कर देता है, सारे खर्चे वगैरह जमा कर देता है. तीन माह समाप्त हो गए और उसने आवेदन ही नहीं किया विक्रय करने का, और दूसरा आवेदन किया और न्यायालय ने नामंजूर कर दिया. ठीक है, और जो यहाँ 3 महीने आपने पढ़ा है वो नियम 32 में 6 महीने सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 6 महीने में विक्रय के लिए आवेदन नहीं किया उसने. ठीक है, यस, मुकेश, मुकेश दैडू फ्रॉम हनुमानगढ़. वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश जी. यदि कोई दस्तावेज के निष्पादन की डिक्री है या प्रक्रिया में लिखित के प्रस्थांकन के निर्देश देने वाली डिक्री है तो उसके निष्पादन के तरीके या रीति के बारे में नियम 34 में क्या बताया गया है? हाँ, वीडियो चालू नहीं हुआ आपका मुकेश जी, वीडियो मैंडेटरी है आंसर देते समय, ताकि आप अपने मस्तिष्क का अधिकतम उपयोग कर सके. यस, हाँ जी बताएं. अच्छा, ये जो उस दस्तावेज का जो प्ररूप है या प्रक्रिया में लिखित का प्ररूप, ये कौन पेश करेगा न्यायालय के सामने? डिक्रीदार पेश करेगा. ठीक है, और वो जो नोटिस भेजा जाएगा निर्णित ऋणी को आपत्ति करने की अपेक्षा करते हुए, उसके साथ उस नोटिस के साथ क्या भेजना आवश्यक है? उस प्ररूप की कॉपी भेजी जाएगी क्या जो डिक्री होल्डर ने पेश की है न्यायालय में? और मान लो कोई आपत्ति की है निर्णित ऋणी ने और न्यायालय ने उसकी आपत्ति को स्वीकार किया है, तो क्या उस प्ररूप को संशोधित करने का आदेश दे सकता है न्यायालय? अच्छा, और जहां स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प है वो उस डॉक्यूमेंट के साथ स्टाम्प ड्यूटी है वो पेबल है, तो उस स्टाम्प पेपर को लगाने की ड्यूटी किसकी होगी, निर्णित ऋणी की होगी या डिक्रीदार की, या कोर्ट लगाएगा अपने पैसों से? अच्छा, और एक लास्ट सवाल आपसे
रजिस्ट्रेशन यदि उसका कंपलसरी है तो क्या रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा? अच्छा, बैरक पड़ा है क्या आपके पास? अच्छा, उपनियम 4 वगैरह में क्या दे रखा है एक बार बताना, 4 में या 6? 6, 4 नहीं 6। और जहां वैकल्पिक है यदि उसका रजिस्ट्रेशन, तो भी क्या करवाया जा सकता है? डिग्री होल्डर कोर्ट से ऐसी रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसका है वो रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, जहां कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक है, करवा ओके। आपके जो एडीजे का सिलेबस है उसके अंदर ये स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट सिलेबस में है क्या? ओके, तो दो सवाल आपसे और पूछे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 में क्या प्रावधान है? यदि कोई दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, क्या वो साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है दस्तावेज? साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। और इसके अपवाद भी है क्या? दो अपवाद है क्या? याद करना पड़ेगा मुकेश जी, मैं तो एग्जाम भी नहीं दे रहा हूं एडीजे का, फिर भी मैं याद रख रहा हूं, तो आपको तो याद रखना ही चाहिए। दो अपवाद है, एक तो संविदा की विनिर्देश अनुपालना के बाद में जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, और दूसरा कोलेट्रल पर्पज, संपार्श्विक प्रयोजन के लिए यूज लेना है, लाइक इंजेक्शन सूट एटसेट्रा में, व्यादेश के बाद वगैरह के अंदर यूज करना है, तो वहां पर है वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी एविडेंस में एडमिशिबल हो सकता है। और यदि अनस्टाम्प्ड कोई डॉक्यूमेंट है या इनसफिशियंट स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है, क्या वो एविडेंस में एडमिसिबल हो सकता है? अच्छा नहीं, पूर्ति करने के बाद तो हो सकता है, बट यदि पूर्ति नहीं की जाए उस कंडीशन में, और पैसा पेश किया के साहब एग्जिबिट मार्क करो, क्या कोर्ट एग्जिबिट मार्क करने के लिए बाउंड है? ऐसा कोई स्टाम्प एक्ट में प्रोविजन है क्या जो अनस्टाम्प्ड या इनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी जिस डॉक्यूमेंट पे पे की गई है उसको एविडेंस में इनएडमिसिबल बनाया जाए या उस साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा? सेक्शन 39, कौन से सेक्शन में ऐसा प्रोविजन? सेक्शन 39 में ऐसा प्रोविजन है। ओके ओके, इन दोनों प्रोविजन को तैयार रखना आप, 49 और 39, हो सकता है प्रीलिम्स में दोनों पे ही क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो एक पे तो 100% मिलेगा। यस रुचिता मोदी, क्या हुआ? ड्राइव कर, मैं तो ड्राइव करते हुए पढ़ा लेता हूं कई बार। ठीक है ठीक, इट्स ओके। अनामिका बिश्नोई, यस। ममता सोनी, ममता जी,
यदि डिक्री विनिर्देश जंगम संपत्ति के परिदान से संबंधित है या विनिर्देश जंगम संपत्ति के कब्जे से संबंधित है तो उसकी डिक्री का निष्पादन कैसे करवाया जाएगा, क्या तरीका या ढंग दे रखा है आदेश 21 के नियम 31 में? आदेश 21 के नियम 31 में ओके सामान्यतः तो यह होगा कि उसको जब्त करके और कब्जा दिलाया जाएगा। और बाकी कोई अन्य संपत्ति वगैरह भी है वो कुर्क और विक्रय हो सकती है और सिविल कारागार में निरोध भी किया जा सकता है और दोनों तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। ठीक, हाँ हाँ जी अनामिका, अनामिका व्हाट वुड बी मैनर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर रूल 31 ऑफ द ऑर्डर 21? क्या पढ़ा है आपने आज? टोटल कितने ऑर्डर है इस सीपीसी में? 51 ऑर्डर से, ओके। ऐसे कोई ऑर्डर भी है क्या जिसमें ओनली वन रूल है? ऑर्डर 50 और 51 जो है उसमें ओनली सिंगल रूल है। यस यस मिस्टर विक्रम सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। विक्रम सिंह जी, व्हाट वुड बी मैनर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द रूल 31 ऑफ द ऑर्डर 21? Court itself not make the order of the sale of the dead property, there must be an application of the decree holder at the end of the 3 months from the date of the attachment of that property. And if the decree holder is failure to make the application within 3 months, then attachment shall ceases on the expiration of the 3 months from the date of attachment. Yes, Sonali, Sonali Upadhyay. Sonali, what provided under Rule 43 of the Order 21 regarding the manner of the attachment of movable property within the possession of the judgment debtor and not being agriculture produce? Yes. Okay, okay. And if the that property is the speedy and natural decay or the perishable property, then what order can be passed?
by the court. What action can be taken by the officer who attached, the person who attached that property? Sell at once that perishable movable property. Yes, Ritika Parikh. Very good morning, Ritika. Ritika, what provided under Rule 34 of the Order 21 regarding the manner of the decree for execution of the document or the endorsement of negotiable instrument? ये किसकी आईडी है अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है ये DMUL इतनी लंबी चौड़ी अभी जो लेटेस्ट जिनको एक्सेप्ट किया गया है ग्रुप में क्या नाम है आपका जो लास्ट में डबल एजी लिखा हुआ है जिनके अपना माइक ऑन करके बताएं एक बार यस रितिका आपने कंप्लीट नहीं बताया रूल 34 बट नटशेल में कंप्लीट कर दिया तो बहुत सिंपल सी बातें है क्या इसमें इतना घबराने जैसी इट इज ड्यूटी ऑफ द डिग्री होल्डर टू प्रोड्यूस द ड्राफ्ट ऑफ द दैट डॉक्यूमेंट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर द कोर्ट इफ द जजमेंट डेटर नेग्लेक्ट और रिफ्यूज द ओवे दैट डिग्री विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट डिग्री And after then, court issue the notice to the judgment debtor with the copy of the draft to require him to make the objection in respect of the draft, the terms and condition of the draft. And if any objection made by the judgment debtor, then shall determine by the court after giving the opportunity to the both parties. And court has also power to make the order of the alteration or addition amendment in the that draft if the objection is allowed by the court. And if there is the requirement of the stamp paper. It is duty of the decree holder to fulfill, to complete the stamp duty in respect of that document or the negotiable instrument. And if requirement the registration, then it is duty of the court or the officer of the court to make, to cause the registration of that document, if compulsory. And if optional, in that case, on the application, on the request of the decree holder.